दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की जिंदगी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने जमान में रखे। मिलते से चोरी करना, किसी की चीज़ बगैर पूछे ले जाना चोरी होती है, तो वो चोरी हो गया मोबाइल। दोस्तों, जो आप लोग का मोबाइल, हाँ की पैड था उनका, तो लेकिन उससे पहले होया हमारे से पहले जी, उनका होया। पहले उनका चोरी हुआ, उनका तो की पैड था, लेकिन उसमें भी दुख तो हुआ होगा। इन लोगों का था टच मोबाइल, इतना बड़ा था तो बहुत दुख हुआ हमें। हम गए थे उनके घर पे अफसोस करने के लिए। और दोस्तों, ये सब माँ बाप की परवरिश होती है, जो उन्हें सिखाएंगे वही करते हैं बच्चे। देखे मैं आपको इस पे एक सुल्ताना डाकू नाम था शायद उनका, वो सुनाती हूँ कहानी। तो ना एक दिन वो बच्चे थे जब छोटे थे, जब ना पड़ोसियों के घर में ना मुर्गियाँ थी, तो ना उन्होंने अंडा दिए होंगे मुर्गी ने, तो मुर्गी क्या हो गया है, तो ना वो अंडा लेके आ गए बगैर पूछे, समझ ले चोरी। और फिर वो अपनी अम्मी को लाके दे दिया, हमें बना के खिलाओ। तो अम्मी ने, उनके अम्मी ने पूछा भी नहीं कि कहाँ से लाए हो, किसका लाए हो, पूछ के लाए हो या नहीं। तो उन्होंने बनाया, उसके बाद खुद भी खाया और उनको भी खिला दिया। अंडा लेके आए अगले दिन कुछ और, तो ऐसे ना ऐसे करके ना बड़े डाकू बन गए, यानी उनका नाम सुल्ताना डाकू पड़ गया। तो ऐसे इसी तरह वो बड़ी बड़ी चोरियां करते रहे। और वो पकड़ेगा शाम, आपको पता है पकड़ेगा तो उन्हें फांसी की सजा हुई। तो जब उन्हें फांसी पे लटकाने ही वाले थे, तो उन्होंने बोला मुझे आखिरी बार मुझे अपनी माँ से मिलवा दो। तो उनकी माँ को लेके आते हैं, अपनी माँ की जबान काट देते हैं। तो आपको पता है क्या बोलते हैं वो? जाओ, वो अपनी माँ को बोलते हैं कि अगर ये इसी मुँह से मुझे मना करती ना, तो मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। उनकी बात भी सही थी, लेकिन फिर भी उन्हें फांसी हुई। तो आप लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, यानी उन्हें ऐसे अगर वो कुछ चीज़ लेके भी आए, तो उन्हें ये सिखाएं कि आप अगर किसी की चीज़ ला रहे हैं तो पूछ के लाएं, नहीं तो ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके करते वो बड़े चोर बन जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बचपन की जिंदगी देखना मत भूलिएगा।